हानुक कंट्रोल में आपको कैसे पता लगेगा कि आपकी जो है मॉड्यूल की बैटरी वीक हो गई है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार से हम बैटरी को बदल सकते हैं और बैटरी बदलते समय हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। लेकिन इससे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि हमें कैसे पता लगेगा कि हमारी जो है मॉड्यूल की बैटरी वीक हो गई है। तो दोस्तों देखिए, साइड में मैं एक कंट्रोलर दिखा रहा हूं आपको, इसमें एक एपीसी ब्लिंक कर रहा है। ये एक सिग्नल होता है कि हमारी जो बैटरी वोल्टेज है वो कम हो गई है। तो सबसे पहले दोस्तों हम बैटरी को निकालेंगे और निकाल करके मल्टीमीटर से चेक करेंगे। अगर बैटरी वोल्टेज हमारी कम है तो मैं आपको बताऊंगा कि हम बैटरी को किस प्रकार से रिप्लेस कर सकते हैं। अगर बैटरी वोल्टेज हमारी सही है तो हमारी एक दूसरी वीडियो है APC 300, उस वीडियो का जो है लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको चेक कीजिए। आपको पता लग जाएगा कि आपका ये जो अलार्म है किन कारणों से आ रहा है। चलिए दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं कि बैटरी बदलते समय हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। सबसे पहले दोस्तों हमारे पास में स्किल मैन पावर होनी चाहिए, क्योंकि मॉड्यूल के अंदर जो है डीसी वोल्टेज होते हैं जिसकी वजह से कोई दुर्घटना हो सकती है। अगर पॉइंट नंबर दो बात करूं दोस्तों, तो हमारी मशीन की पावर ऑन होनी चाहिए जिस समय हम बैटरी को रिप्लेस कर रहे हैं। पॉइंट नंबर तीन दोस्तों ये है कि हमारे को मशीन की इमरजेंसी को प्रेस करके रखना है जब हम बैटरी को चेंज करें। पॉइंट नंबर चार अगर बात करें दोस्तों, तो हम ये इंश्योर कर लें कि उस दौरान कोई पावर कट ना हो जब हम बैटरी को रिप्लेस करने जा रहे हों। पॉइंट नंबर पांच की अगर बात करें दोस्तों, तो बैटरी के कनेक्टर को हमें आसानी से प्रेस करके निकालना है, ऐसा ना हो कि हम जबरदस्ती खींच लें और कनेक्टर जो है अंदर से जो पिन है वो डैमेज हो जाए और कनेक्टर के साथ ही निकल के आ जाए। और पॉइंट नंबर छह ये है दोस्तों कि अगर हमारे को दोबारा से बैटरी लगानी है और कनेक्टर हम लगाने जा रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव का विशेष ध्यान रखें और बैटरी को आसानी से कनेक्टर को आसानी से उसमें फिट करें, ऐसा ना हो कि जबरदस्ती प्रेस कर दे जिससे कि हमारा जो है पिन या डैमेज हो जाए या कार्ड में कोई प्रॉब्लम आ जाए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अरुण यादव, आप देख रहे हैं HPDC एंड CNC सॉल्यूशंस। दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर लीजिए प्रेस, जिससे कि हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को प्राप्त हो सके। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। तो आइए दोस्तों चलते हैं मशीन पर और देखते हैं वीडियो कि किस प्रकार से हम बैटरी को रिप्लेस कर सकते हैं। दोस्तों अब हम आ गए हैं मशीन की मेन स्क्रीन के ऊपर। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक अलार्म टाइप में बीच बीच में ब्लिंक कर रहा है। देखिए APC जो है, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो APC है ये ब्लिंक कर रहा है बार बार। मैसेज में जाके दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ, हिस्ट्री में आपको खोल के दिखाता हूँ कि क्या अलार्म जनरेट हो रहा है। देखिए अलार्म आ रहा है यहाँ पे, APC अलार्म बैटरी लो वन अलार्म जो है वो जनरेट है। इससे पहले दोस्तों हम चले मशीन के बैक पैनल के ऊपर, उससे पहले हमें इमरजेंसी प्रेस कर लेनी चाहिए। देखिए हमने इमरजेंसी प्रेस कर लिया, अब आ गए हम बैक पैनल के ऊपर। क्योंकि सबसे पहले हमारी जो एक्सिस है यहाँ पे, देखिए दो बैटरी लगी हुई, एक बैटरी इसमें भी है और एक बैटरी इसमें है, दो बैटरी लगी हुई हैं। तो दोनों बैटरियों में हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि हमारे मॉड्यूल की बैटरी कौन सी है। तो मैं केबल के द्वारा ट्रेस कर लूँगा कि ये मेरी मॉड्यूल की बैटरी है। ये देखिए ये वाली जो बैटरी है, इसमें हमारे जो इनकोडर जिस एक्सिस का अलार्म आ रहा है उस एक्सिस का पिन को प्रेस करके इसको हमें निकालना होगा आराम से। देखिए मैं निकाल देता हूँ, साइड से प्रेस करना होता है इसको, डायरेक्ट ना खींचें। ये देखिए मैंने निकाल लिया बैटरी, बैटरी को बाहर ले लिया मैंने, आपको रख के दिखाता हूँ। देखिए एक बैटरी पुराने वाली जो ये निकाली ये है हमारे पास में, दूसरी बैटरी ये है जो नई वाली है। तो इस बैटरी का हमें पहले चेक कर लेते हैं एक बार। देखिए ये 6 वोल्ट की बैटरी है, मेन ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसमें वोल्टेज का विशेष महत्व है, तो 6 वोल्ट बैटरी है ये बैटरी, इसी के लिए बनी हुई है। क्योंकि ये दोनों देख के लग रहा है कि एक जैसी हैं, लेकिन फिर भी वोल्टेज लगाने से पहले ज़रूर चेक कर लें, ये 6 वोल्ट में है। अब इसको निकाल लेते हैं, हमें पता लग जाएगा कि इसमें क्या पैरामीटर है। वोल्टेज इसका भी हमें चेक करना होगा, क्योंकि बगैर वोल्टेज चेक किए लगाना सही नहीं है। हो सकता है कोई बैटरी ज़्यादा वोल्टेज की हो, किसी और मशीन की रखी हो और हम डायरेक्ट लगा दें, तो वो भी ठीक नहीं है। ये देखिए इसको मैंने निकाल लिया है, कवर में से निकाल लेंगे हम इसको आराम से। देखिए तार थोड़ा साइड में दबा हुआ है, इसको निकालना होगा, ये निकल गया। चलिए अब दिखा देता हूँ मैं आपको। देखिए दोस्तों ये भी सेम पैनासोनिक की बैटरी है और 6 वोल्ट में ही ये है, और 6 में जो मैं नई बैटरी आपको दिखा रहा था वो है। तो बैटरी सेम है हमारी, तो हम बैटरी को रिप्लेस कर देंगे। आप देख पा रहे होंगे इसमें कनेक्टर भी है, कनेक्टर इनबिल्ड आता है, तो इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं होता है प्रॉब्लम। क्योंकि कनेक्टर अगर अलग से लगा होगा तो उसमें केबल चेंज होने का खतरा बना रहता है, जिसकी वजह से कार्ड में प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसको सेट कर देते हैं, ये देखिए मैंने लगा दिया इसमें,
ये केबल साइड से निकाल लेते हैं इसकी। देखिए केबल को थोड़ा दबा के निकालना होगा हमें। केबल निकलने के बाद में हम इसको लगाएंगे वापस से मॉड्यूल में ही। ये देखिए रिप्लेसमेंट सबसे ज़्यादा ये है कि सावधानियों का ध्यान रखना है, क्या क्या हमें सावधानी रखनी है। देखिए लग गई है ये, अब इसको लगा देते हैं एक बार। आप देख पा रहे होंगे ये कनेक्टर है साइड में, और इसको पिन को इसके अंदर लगाना होता है। प्लस माइनस का थोड़ा ध्यान यहाँ पे भी दे लें, वैसे तो ये कनेक्टर लगेगा नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ध्यान रखें, ऐसा ना हो कि ज़बरदस्ती लगा दें और कनेक्टर टूट जाए या कार्ड में प्रॉब्लम आए। देखिए लग गई है ये बिल्कुल आराम से। इसके ऊपर एक क्लिप है प्रेस करने वाली, जिसकी वजह से ये बैठ जाता है। अब इसको भी लगा देते हैं। ये देखिए ये लग गया है। अब चलते हैं दोस्तों, दिखाता हूँ मैं आपको मेन स्क्रीन, जहाँ पे हमने अलार्म को चेक किया था कि एपीसी जो है ब्लिंक कर रहा था हमारा, वहाँ पे चलेंगे। देखिए अब हम आ गए हैं मेन स्क्रीन के ऊपर। देखिए अब भी ये एपीसी ब्लिंक कर रहा है, अब ये अलार्म हट जाएगा। देखिए कैसे हटाएंगे इसको, रीसेट एक बार प्रेस करेंगे हम। देखिए मैंने रीसेट प्रेस किया, वैसे ही अलार्म हट गया। दोस्तों बैटरी रिप्लेस करने के बाद भी अगर आप लोगों का अलार्म नहीं हट रहा है, तो हमारी एक वीडियो है एपीसी 300, उसमें हमने बताया कि इस अलार्म के आने के कारण क्या क्या होते हैं और किस प्रकार से हम इस अलार्म को हटा सकते हैं, उसको ज़रूर देखें। उस वीडियो का जो लिंक है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग चेक कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।